हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजिटल भारत। मेरा नाम है सोनू कुमार। दोस्तों आज मैं आपके लेकर आया हूँ काफी इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों आज का जो वीडियो है काफी इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है कि अगर आप चैलेंज देने में या चैलेंज लेने में अगर आप विश्वास रखते हैं तो मैं आपके लिए एक बेस्ट ऐप लेकर आया हूँ जिसका नाम है बकाऊ ऐप। बकाऊ ऐप पे आप वीडियो क्रिएट करके आप लोगों को चैलेंज दे सकते हैं और जो सामने वाला बंदा होगा वो आपका चैलेंज एक्सेप्ट करके वहां पे वीडियो अपलोड करेगा। उसके बाद दोनों का वीडियो एक ही फ्रेम में दिखाया जाएगा और जो भी पब्लिक उस वीडियो को देखेगा वो वोटिंग कर सकता है कि आपका वीडियो सही है और उसका वीडियो सही है। उसके बाद वोटिंग के रूप में जिसका वोट सबसे ज्यादा आता है वो इस चैलेंज को जीत जाता है और वहां पे उसको हो जाती है अर्निंग। तो इस ऐप से आप काफी मात्रा में आप यहाँ पे अर्निंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दो स्रोत देखने को मिलता है अर्निंग का, पहला तो चैलेंज जीतकर और दूसरा रेफरल करके। रेफरल करके आप यहाँ पे काफी अच्छे मात्रा में आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। अब रेफरल कैसे करना है उसी के बारे में आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड कर रखा है बकाऊ ऐप पे, आई बटन पे लिंक है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया था, लेकिन ये जो वीडियो है इसमें आपको संक्षिप्त रूप में सिर्फ ये बताऊंगा कि आप किस तरह से रेफरल का जो अर्निंग है उसको अपने बैंक अकाउंट में मंगा सकते हैं या अगर आप किसी को रेफर करना चाहते हैं तो किस तरह से आप रेफर कीजिएगा, चैलेंज को किस तरह से एक्सेप्ट कीजिएगा और किस तरह से आप वीडियो क्रिएट करके आप अपलोड कीजिएगा, यही आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में हमेशा आपके लिए लेकर आते रहता हूं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मोबाइल का स्क्रीन मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दिया है जिस लिंक पे आप क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है जैसा कि आप देख रहे होंगे। आपको सिंपली इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे इंस्टॉल पर कीजिएगा तो ये जो ऐप है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा आपके मोबाइल में। तो देखिए जो ऐप है वो इंस्टॉल हो चुका है हमारे मोबाइल में। तो सिंपल हमें यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे ओपन पे क्लिक कीजिएगा तो बकाऊ का जो इंटरफेस है वो आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। बकाऊ का फुल इंटरफेस आपके सामने आ गया है कुछ इस तरह से। आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो वीडियो प्ले हो रहा है, पहला जिन्होंने चैलेंज दिया है और दूसरा जिन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है। दोनों वीडियो आपको एक साथ यहाँ पे प्ले होते हुए दिखेगा। उस दोनों वीडियो में से आपको जो भी वीडियो पसंद आता है उसको आप यहाँ पे वोटिंग कर सकते हैं। नीचे आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर का आपको एक वोटिंग करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप इजीली वोट कर सकते हैं और वोट करने के बाद जिसका वोट सबसे ज्यादा होगा वो ये चैलेंज को जीत जाएगा और उसको मिल जाएगा अर्निंग। तो इस तरह से यहाँ पे होता है जो कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन है। यहाँ पे आपको कई सारे चैलेंज देखने को मिल जाते हैं जो कि आप देख रहे होंगे। जैसे यहाँ पे स्वाइप अप कीजिएगा यहाँ पे आपको चैलेंज देखने को मिलेगा और किसी का भी आप चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं और किसी को भी आप यहाँ पे चैलेंज दे सकते हैं। अब चैलेंज को अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं या किसी को देना चाहते हैं या अगर आप रेफरल से अर्निंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस ऐप पे आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो आप नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे इधर राइट साइड में यहाँ पे आपको एक प्रोफाइल का मेनू देखने को मिलता है। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बकाऊ ऐप में आप कौन कौन माध्यम से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। जो पहला माध्यम है वो जीमेल के माध्यम से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, जो आपके मोबाइल में जो जीमेल लॉगिंग है उससे आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं और दूसरा फोन नंबर से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे फोन नंबर इंटर करके आप नेक्स्ट कीजिएगा तो आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा और ओटीपी से आपका मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाई हो जाएगा और जैसे ही वेरीफाई होगा तो आपका अकाउंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। क्लिक करेंगे यहाँ पे मेरा प्रोफाइल ऑलरेडी क्रिएट है, फिलहाल के लिए हम इसको बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद फिर से हम आ चुके हैं यहाँ पे होम पेज पे जैसा कि आप देख रहे होंगे। अब चैलेंज देना और चैलेंज एक्सेप्ट करना, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ अगर आप किसी को चैलेंज देना चाहते हैं यानी कि आप खुद का वीडियो बना के और किसी को चैलेंज करना चाहते हैं तो कैसे कीजिएगा। उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको एक सर्च टूल्स देखने को मिलता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे टॉप ट्रेंडिंग जितने भी चैलेंज है वो यहाँ पे चल रहा है जो कि आप देख रहे होंगे वीडियो के रूप में आपको दिख जाएगा। और हल्का सा आप नीचे की तरफ जाइएगा तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपको लिखा हुआ मिल जाता है क्रिएट चैलेंज। ग्रीन कलर में एक बटन दिया गया जिस पे लिखा हुआ है क्रिएट चैलेंज। अब इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स भरने होंगे, जैसे कि यहाँ पे चैलेंज नेम यानी कि जो चैलेंज आप दे रहे हैं उसका नाम क्या है, उसके बाद उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, साथ में उससे रिलेटेड जो भी टैग्स वगैरह है उसको आप यहाँ पे चूज कर सकते। जैसे आप सारी डिटेल को फिलअप कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे अपलोड वीडियो पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको कुछ परमिशन मांगा जाएगा जिसको आपको अलाउ करना है। जैसे ही आप सारे परमिशन को अलाउ कर देते हैं तो आपके सामने आपका जो कैमरा है ओपन हो जाता है जो कि आप देख रहे होंगे मेरे सामने मेरा कैमरा यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो मैं जो अभी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ वो गैलरी से करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे गैलरी पे क्लिक करता हूँ तो हमारे मोबाइल के गैलरी में जितने भी वीडियो है वो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। आप यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कि किस वीडियो को आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर के आपको एक नेक्स्ट का बटन देखने को मिलेगा, आपको सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है।
जैसे ही अब यहाँ पे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे साइड में, यहाँ पे लेफ्ट साइड जो आपका वीडियो है वो आपको दिख जाएगा, और राइट साइड में जो भी बंदा आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा उसका वीडियो यहाँ पे आएगा। तो हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पे अपलोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है। नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे यहाँ पे अपलोडिंग योर वीडियो का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमारा जो वीडियो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो चुका है, ऊपर में आपको चलता हुआ भी दिख जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपने वीडियो को अपलोड करके आप यहाँ पे चैलेंज दे सकते हैं। अब अपलोड होने के बाद आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर का जो बटन है उस पर लिखा हुआ है पोस्ट योर चैलेंज। क्या आपने चैलेंज को आप पोस्ट करना चाहते हैं? तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ ग्रीन पे। जैसे ही आप यहाँ पे ग्रीन पे क्लिक कर देते हैं तो जो आपका चैलेंज है वो पोस्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो हमारा चैलेंज है वो ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है। अब इस सारे बंदे को ये चैलेंज जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा वो इजीली एक्सेप्ट करके और इससे बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करेगा। अब दूसरे के चैलेंज को आप एक्सेप्ट कैसे कीजिएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप स्वाइप अप करके आप सर्च कर सकते हैं कौन सा ऐसा वीडियो है जिसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, यानी कि उसका चैलेंज को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। अगर उसका नहीं किया है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो अभी वीडियो चल रहा है ये तो किन्हीं ने एक्सेप्ट कर रखा है, तो दोनों का प्रोफाइल यहां पे दिख रहा होगा। जिसका एक्सेप्ट नहीं होगा उसका सिंगल प्रोफाइल दिखेगा, दूसरे का वीडियो नहीं चलता हुआ दिखेगा। तो आप देख रहे होंगे यहां पे एक वीडियो हमारे सामने आ चुका है जिसमें एक जो राइट साइड वाला जो पार्ट है उसमें वीडियो नहीं है। तो इस चैलेंज को हम यहां पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। कैसे एक्सेप्ट करना है, आप नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे यहां पे आपको ग्रीन कलर में एक बटन देखने को मिल जाएगा जिस पे लिखा हुआ है चैलेंज राम। राम नाम के बंदा है जिन्होंने पहले से वीडियो बना रखा है, जैसे मैंने बनाया था उसी तरह से। अब इनका जो चैलेंज है इसको हमें एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे मैं इनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं चैलेंज राम पर क्लिक कर लेता हूँ जो ग्रीन कलर का बटन है। जैसे ही मैंने उस बटन पर क्लिक किया तो देखिए हमारे सामने जो हमारा कैमरा है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप लाइव अपने कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप डाल सकते हैं। अपलोड करने के लिए मैंने पहले बता ही दिया है, इस वीडियो में आपको लाइव यहाँ पे रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ किस तरह से आप यहाँ पे लाइव रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने फ्लैशलाइट को भी ऑन कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। तो देखिए 3, 2, 1 काउंटडाउन के साथ हमारा जो वीडियो है यहाँ पे रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो चुका है। तो हमारा वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, अभी आप देख रहे होंगे हमारा जो वीडियो है यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो मैंने कुछ इस तरह के वीडियो यहाँ पे क्रिएट कर लिया। मैं वीडियो को यहाँ पे पॉज कर देता हूँ। वीडियो हमारा बनके तैयार हो चुका है जो कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैं चूज पे क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पे चूज पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो राइट साइड जो कॉलम खाली था वहाँ पे वीडियो हमारा अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे अपलोड हो भी चुका है। पोस्ट करना है तो यहाँ पे मैं सिंपल ग्रीन वाले बटन को क्लिक करके यहाँ पे मैं अपना वीडियो यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। मैं आपको बता दूं कि बकाऊ ऐप से आप रेफरल से काफी अच्छे मात्रा में अर्निंग कर सकते हैं। अब अर्निंग आप कैसे कीजिएगा अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा था उस लिंक पे आपने क्लिक करके और इस ऐप को आपने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लिए। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे एक चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। किसी का भी चैलेंज आप एक्सेप्ट कर लिए या आप किसी को चैलेंज दे दिए जो कि मैंने आपको दिखाया किस तरह से आप दे सकते हैं और किस तरह से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर आपने यहाँ तक कर लिया है उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इस ऐप को यहाँ पे क्लोज कर देना है। सारा चीज करने के बाद आपको बकाऊ को बताना पड़ेगा कि आपने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, आपने प्रोफाइल वगैरह क्रिएट कर लिया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म का लिंक दे रखा है, उस फॉर्म को आप क्लिक करके और वहां पे जितने भी डिटेल्स मांगे जाते हैं उसको आप फिलअप करें। तो जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो बकाऊ के जो टीम मेंबर है वो आपके फॉर्म को वहां पे रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद आपको यहां पे डिसीजन देंगे कि आपका कि आप इलिजिबल है या नहीं। अगर आप इलिजिबल हो जाते हैं तो उसके बाद आप भी रेफरल कर सकते हैं इसी तरह से सेम प्रोसेस यूज करके और काफी अच्छे मात्रा पे आप अर्निंग कर सकते हैं। और जैसे ही आप इलिजिबल हो जाइएगा आपके अकाउंट पे वहां पे 150 रुपया मिल जाएगा जिसको आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। और कैसे बैंक में आप ट्रांसफर कीजिएगा, कैसे बैंक का डिटेल ऐड कीजिएगा वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, आई बटन पे लिंक है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। रेफरल अर्निंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से आपको इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, बकाऊ ऐप को। उसके बाद वहां पे अपना प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, एक चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए या किसी को आप चैलेंज दीजिए, यानी कि एक वीडियो आपको अपलोड करना है, मेनली यही है। वीडियो अपलोड करने के बाद आप फिर से हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, वहां पे एक फॉर्म का लिंक मिलेगा, उस फॉर्म को आप फिलअप कीजिए। जैसे ही उस फॉर्म को आप फिलअप करते हैं उसके बाद क्या होगा कि आपका जो आईडी है वो बकाऊ टीम मेंबर के पास पहुंच जाएगा, वो रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद आपको इलिजिबल कर देंगे। तो जैसे वो इलिजिबल करेंगे तो आपके बकाऊ वैलेट में आपको यहाँ पे 150 रुपया अर्निंग देखने को मिल जाएगा। तो वही सेम प्रोसेस अगर आप अपने व्यूअर्स से करवाते हैं तो आप भी काफी अच्छे मात्रा में यहाँ पे अर्निंग कर पाइएगा रेफरल से। तो मैंने यहाँ पे करीब करीब सारा डिटेल बता दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन जरूर दबा दे, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हमेशा आपके लेकर आते रहता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।